नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एसीजी ट्यूटोरियल में। मैं हूं अमोल और आज हम लोग एक्सेल के माइक्रो वीबीए सीरीज़ में फोर्थ लेक्चर कवर करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि इस लेक्चर में हम लोग खुद से एक प्रोग्राम लिखना शुरू करने वाले हैं। तो आज हम लोग क्या देखेंगे कि किस तरह से माइक्रो लिखा जाता है, किस तरह से माइक्रो प्रोग्राम किया जाता है और उसी के साथ साथ सेल रेफरेंसिंग क्या होता है। ये दो चीज़ें हम लोग आज वीबीए एडिटिंग में एडिटर में सीखने वाले हैं। तो शुरू कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक फाइल ओपन है ऑलरेडी, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी इस्तेमाल किया था, जिसको मैंने सेव किया था एसीजी ट्यूटोरियल के नाम से। यहाँ पे तीन शीट बनाई गई है, जिसमें फर्स्ट शीट जो थी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इस्तेमाल की थी, एक बेसिक सा माइक्रो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था। इसलिए आप देख पाओगे तो यहाँ पर मैंने नाम लिखा है रिकॉर्डेड माइक्रो, और आज हम लोग सीखने वाले राइट अ माइक्रो और उसी के साथ सेल रेफरेंसिंग। अब हम प्रोग्रामिंग की ओर बढ़ रहे हैं, तो कुछ बेसिक सी चीज़ें होती है जो मैं आपको धीरे धीरे करके क्लियर करता जाऊंगा। आप लोगों ने अगर एक नोटिस किया होगा तो हर एक शीट को जो मैंने रीनेम किया है, उसमें दो वर्ड्स के बीच में मैंने स्पेस न देते हुए एक अंडरस्कोर मार्क दिया हुआ है। अब हर एक शीट में देख सकते हो, यहाँ पे भी सेल रेफरेंस के बीच में एक अंडरस्कोर आ गया है। तो प्रोग्रामिंग का एक फंडा है बेसिक सा, आप कोई भी अगर टेक्स्ट लिख रहे हो तो उसमें स्पेस मत दिया करो। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे आगे जाके प्रोग्राम में इस वर्कशीट में कुछ ना कुछ तो चेंजेस करना है, कुछ तो एडिशन करना है, तो मुझे मेंशन करना होगा कौन से शीट में चेंजेस करना है। तो कौन से शीट में चेंजेस करना है, उसके लिए मुझे ये नाम उस प्रोग्राम में लिखना होगा। अगर इसमें मैंने स्पेस इस्तेमाल किया होता तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करता, रीड ही नहीं कर पाता। तो एक अच्छी बात होगी कि आप पहले से ही आदत बना दो कि कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हो तो उसमें स्पेस दिए बिना अंडरस्कोर या फिर विदाउट स्पेस वो पूरा टेक्स्ट लिखोगे तो अच्छी बात होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैं शॉर्टकट की प्रेस कर रहा हूँ, अल्ट F11 VBA एडिटर के लिए। आप देख सकते हो ये जो कोडिंग है जो बाय डिफ़ॉल्ट आ गया है जब हम लोग ने पहला माइक्रो रिकॉर्ड किया था, इसलिए यहाँ पे नाम भी दिया गया है रिकॉर्डेड माइक्रो। अब यहाँ पे राइट और माइक्रो मतलब क्या है, तो हम खुद से यहाँ पे एक कोडिंग प्रोग्रामिंग लिखेंगे तब जाके फ्रंट एंड में कुछ ना कुछ तो चेंजेस होने वाला है। ओके, तो शुरू कर देते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि खुद से एक मॉड्यूल इंसर्ट करना पड़ेगा। ये जो मॉड्यूल आप देख रहे हो ये अपने आप आ गया था जब हम लोग ने फ्रंट एंड में नया माइक्रो रिकॉर्ड किया था। तो अब यहाँ पे हमें खुद से बनाना है, तो क्या करना होगा, पहले मॉड्यूल इंसर्ट करना है। तो उसी के लिए हम लोग इंसर्ट में जाएंगे और मॉड्यूल पे क्लिक करने वाले हैं। आ गया, जैसे आप नंबर ऑफ मॉड्यूल्स इंसर्ट करोगे, यहाँ पे मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, इस तरह से नंबर वाइज वो इंक्रीज होते जाएंगे। आपको अगर इसे रीनेम करना है तो रीनेम कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी विंडो अनेबल करनी होगी। उसी के लिए हमें जाना है व्यूज मेनू में, वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा प्रॉपर्टीज विंडो, या फिर आप शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हो F4। यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी विंडो एक्टिवेट हो गई है। यहाँ से आप उसे रीनेम कर सकते हो, जैसे कि ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है, तो यहाँ पे मैं राइटिंग, अब यहाँ पे स्पेस नहीं देना है, तो राइटिंग अंडरस्कोर फर्स्ट माइक्रो, इस तरह से नाम देख सकता हूँ। बाहर क्लिक करना है, यहाँ पे नाम आ गया है। अब यहाँ पे हम लोग कोडिंग स्टार्ट कर देंगे। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि कोडिंग हमेशा स्टार्ट होता है SUB से, तो सबसे पहली चीज़ हम लोग क्लियर करेंगे यहाँ पे, भाई SUB मैंने क्यों लिखा है, सब क्यों लिखा है। तो ये सब एक टाइप हो गया कोडिंग का। एक्सेल VBA में टोटल दो टाइप है जो हम लोग सीखने वाले हैं, एक तो है सब और दूसरा है फंक्शन। दो टाइप की कोडिंग यहाँ पे होने वाली है। फंक्शन कोडिंग के बारे में हम लोग अभी नहीं देखेंगे, हम लोग बेसिक से स्टार्ट करें तो पहले हम लोग सब के बारे में ही सीखने वाले हैं। तो फिलहाल फंक्शन को छोड़ दो, सब के बारे में बात करेंगे। सब का भी एक फुल फॉर्म है, वो फुल फॉर्म है सब रूटीन, उसे कहा जाता है सब रूटीन प्रोसीजर। तो सब का फुल फॉर्म है सब रूटीन। इसका मतलब क्या है, सब रूटीन का मतलब क्या है, तो सब रूटीन इज अ पीस ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। इसका मतलब ये है कि ये सब रूटीन कोडिंग जो है इसलिए बनाया गया है कि छोटे छोटे टुकड़ों में काम करेगा, एक स्पेसिफिक टास्क ही वो काम करेगा, कोई बड़ा टास्क काम नहीं करेगा। क्यों, क्या होता है, अगर हम लोग फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि दूसरा टाइप फंक्शन होता है, उसमें बहुत बड़े बड़े कोडिंग्स आप लिखते हो, लेकिन इतने बड़े कोडिंग्स लिखने से अच्छा उसे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके अगर हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो विद द हेल्प ऑफ
सब रूटीन कोडिंग। तो हम लोग छोटे छोटे से स्टार्ट करने वाले, तो पहले हम लोग सब रूटीन सीखने वाले हैं। यहाँ पे मैंने सब टाइप कर दिया है, स्पेस देता हूँ। आपका जो भी माइक्रो आप नाम देना चाहते हो उसे नाम दे सकते हो, जैसे कि यही नाम हम लोग फॉलो करेंगे कि राइटिंग फर्स्ट माइक्रो, उसी के साथ ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज कर दिया है। एंटर की प्रेस कर रहा हूँ, आप देख सकते हो कि एंड सब ऑटोमेटिकली आ गया है। तो आपको पूरा कोडिंग जो है इसके बीच में ही करना होगा। हम लोग ने देखा था कि सिंगल कोड डाल के आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, तो अगर आपको कुछ देना है तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, लेकिन फिलहाल ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन और कुछ नहीं देंगे, सीधा हम लोग प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे बेसिक हम लोग यहाँ पे कोड इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो कोड है वो हम लोग लिखेंगे MSG बॉक्स, स्पेस दे रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोगों को मेंशन करना होगा डबल कोट में कि क्या टेक्स्ट आना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ACG ट्यूटोरियल। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, अपना खुद का नाम लिखोगे तो भी चलेगा। जैसे आप कोई भी एक कमांड लिखोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रॉम्प्ट आ जाएगा कि आपको आगे क्या लिखना है। तो एक एडवांटेज है यहाँ पे प्रोग्रामिंग करने का कि आपको गाइडेंस भी मिलता रहता है। तो हम लोग अब यहाँ पे जो भी कोडिंग इस्तेमाल करने वाले, जैसे कि हम लोग ने पहला कोड लिखा यहाँ पे मैसेज बॉक्स MSG बॉक्स, तो आपको ये बेसिक हम लोग सिखा रहे हैं तो ये बेसिक है, मतलब इसका आगे जाके आपको यूज़ होने वाला नहीं है, एडवांस में यूज़ होने वाला ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये कुछ कोडिंग है आपको एडवांस में भी इस्तेमाल करने हैं, उसका बहुत इस्तेमाल आगे जाके होने वाला है एडवांस कोडिंग में। तो ये धीरे धीरे रेगुलर रूटीन में इस्तेमाल करते करते आपको इसका आदत भी होने वाला है। तो पहला हम लोग ने कोडिंग सिखाई के मैसेज बॉक्स, तो क्या होता है मैसेज बॉक्स वो भी देखेंगे। उसके साथ और एक चीज़ हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फिर से MSGBOX स्पेस, और यहाँ पे सिर्फ नंबर दे देता हूँ मैं इस तरह से 1 2 3। अब यहाँ पे और एक बेसिक आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ, नंबर्स छोड़ के अगर कुछ भी टेक्स्ट में लिख रहे हो तो उसे डबल कोटेशन मार्क्स में लिखा जाता है। अगर डबल कोटेशन मार्क्स लिख रहे हो तो उसमें कुछ कैलकुलेशन होने वाला नहीं है, ये एक इन्फॉर्मेशन हो गया। तो आप ACG ट्यूटोरियल आपने जो भी मैसेज लिखना है वो लिख दिया है, टेक्स्ट है इसलिए उसे डबल कोट में ही लिखना होता है यहाँ पे, इसलिए मैंने डबल कोट डाल दिया है। उसी की जगह पे अगर कुछ नंबर्स है तो डबल कोट डालने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ये रन हो जाएगा। अब ये हमारा प्रोग्रामिंग हो गया है, बेसिक सा प्रोग्रामिंग है। अब पहले रन करके देखते हैं कि इस डिस्प्ले में क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पे रन करने के लिए आपको रन मेनू में जाना होगा, फिर यहाँ पे रन सब यूज़र फॉर्म करके ऑप्शन आ रहा है, या फिर आप शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हो F5, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया मैसेज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ACG ट्यूटोरियल। जैसे मैं ओके कर दूँगा ऑटोमेटिकली दूसरा मैसेज भी आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने दो मैसेज लिखे थे, जानबूझ के दो लिखे थे, क्योंकि आपको पता चले कि टेक्स्ट के लिए कोटेशन लगता है और नंबर्स के लिए कोटेशन की ज़रूरत नहीं, कोटेशन मार्क की वैसे ही डिस्प्ले में आ जाएगा। हम लोग ने देखा कि किस तरह से मैसेज बॉक्स आप फ्रंट एंड में ला सकते हो, जो भी कोडिंग किया है हम लोगों ने बैक एंड में, यानी कि VBA एडिटर में हम लोगों ने कोडिंग करके कोई ना कोई मैसेज फ्रंट एंड में लाया। सिंपल सा मेथड था, हम लोग ने देखा कि सब मतलब सब रूटीन क्या होता है, हम लोग ने अपने माइक्रो का नाम भी दे दिया है, हम लोग ने प्रोग्रामिंग भी कर दिया, उसमें हम लोग ने कोड इस्तेमाल किया है MSG बॉक्स यानी कि मैसेज बॉक्स। जैसे हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमें समझ में आने वाला लैंग्वेज कौन सा है, तो इंग्लिश, यूज़र को इंग्लिश आता है और कंप्यूटर को बाइनरी, तो हमें जो इंग्लिश लैंग्वेज आता है उसकी वजह से हम समझ सकते हैं कि ACG ट्यूटोरियल का मतलब क्या है, 1 2 3 क्या है, इवन MSG बॉक्स मतलब मैसेज बॉक्स मतलब क्या है। तो हम लोग को इसका मीनिंग मालूम है, इसलिए हम ये लिख पा रहे हैं, इसके बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली कोडिंग कन्वर्ट होके कंप्यूटर को समझ में आने वाली लैंग्वेज बाइनरी में कन्वर्ट हो रहा है और कंप्यूटर अपने आप सब कुछ समझ रहा है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग सिर्फ बेसिक कोडिंग देखेंगे, जैसे कि अभी पहला कोड हम लोग ने देखा कि MSG बॉक्स क्या होता है, ठीक है, उसे रन भी किया। आगे बढ़ते हैं सेल रेफरेंसिंग में, ओके। तो सेल रेफरेंसिंग क्या होता है, तो हम लोगों को पता है कि ये सब सेल है जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इस सेल से रिलेटेड जो भी
कमांड्स या फिर प्रोग्राम हम लोगों को करना है तो सेल रेफरेंसिंग आपको आना बहुत ज़रूरी है, तो वही हम लोग आज सीखेंगे। फिर से हम लोग अल्ट F11 प्रेस करते हैं, यहाँ पे और एक मॉड्यूल इंसर्ट कर देते हैं। उसके लिए हम लोगों को इंसर्ट में जाना है मॉड्यूल्स में, और उसे रीनेम करने के लिए आप प्रॉपर्टी विंडोज़ में जाके उसे जो भी नाम देना है दे सकते हो। जैसे कि मुझे यहाँ पे देना है सेल रेफरेंसिंग, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कोड लिखना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि स्टार्ट हमेशा सब से होने वाला है, कोई भी नाम दे सकते हो माइक्रो के लिए, इस प्रोग्राम के लिए सेल अंडरस्कोर रेफरेंसिंग, ओके, ब्रैकेट स्टार्ट एंड एंटर, ओके। प्रोग्राम स्टार्ट और एंड कर दिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे हम लोगों को कोडिंग लिखना है जिसमें हम लोग फर्स्ट वन मेथड देखेंगे। यहाँ पे टोटल चार मेथड है सेल रेफरेंसिंग के लिए, वो चारों ही मेथड हम लोग देखेंगे, और उसमें ये भी देखेंगे कि कौन सा वाला मेथड ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं प्रोग्रामर। तो सबसे पहले वाला हम लोग इस्तेमाल करेंगे एक्टिव सेल वैल्यू। एक्टिव सेल वैल्यू का मतलब क्या है, आपका जहाँ पे भी सिलेक्शन है, जो भी सेल सिलेक्ट है वो हो जाएगा एक्टिव सेल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं समझो यहाँ पे सिलेक्शन दे दिया है जो कि है C4। फिर से VBA एडिटर में जा रहे हैं और यहाँ पे कमांड लिख देते हैं एक्टिव सेल डॉट वैल्यू। अब यहाँ पे एक्टिव सेल डॉट लिखने के बाद आप देख सकते हो एक्टिव सेल में जो भी यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है वो सब आ रहे हैं। अब यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको बाय हार्ट रहेगा जो भी कोड है उसका इनिशियल या फिर पूरा नाम लिखोगे तो भी चलेगा। जैसे मुझे मालूम है कि मुझे यहाँ पे वैल्यू देना है तो यहाँ पे मैं वैल्यू टाइप कर देता हूँ, ओके। देन स्पेस इज इक्वल टू, आपको जो भी वैल्यू देना है यहाँ पे आप दे सकते हो। जैसे कि मुझे लिखना है ACG ट्यूटोरियल, डबल कोट कंप्लीट कर दिया, ओके। देन एंटर, फिर से वही कोडिंग लिखेंगे लेकिन यहाँ पे हम लोग नंबर देने वाले हैं एक्टिव सेल डॉट वैल्यू स्पेस इज इक्वल टू, और मैंने कहा था नंबर के लिए आपको डबल कोट देने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली नंबर लिख दो एप्लीकेबल रहेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें रन करना है, एक तो हम लोग रन में जाके मेनू में जाके यहाँ पे कमांड पे क्लिक कर देंगे, F5 कर देंगे, या फिर हम लोगों को एक टूल बार की ज़रूरत गिरती है आगे जाके। हम लोग एक डीबग टूल बार है उसका इस्तेमाल करने वाले, क्यों मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। उससे पहले ये प्रोग्राम रन करके देखते हैं। यहाँ पे मैं शॉर्टकट की प्रेस कर रहा हूँ F5। हम लोग का कोड आप देख सकते हो, पहले हम लोग ने देखा था मैसेज बॉक्स, अब यहाँ पे हम लोग ने और एक कमांड सीख लिया है एक्टिव सेल वैल्यू। सिंपली आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज है। एक्टिव सेल वैल्यू मतलब क्या है, जो भी सेल एक्टिव है उसमें वैल्यू, उसमें क्या कंटेन होने वाला है, तो मैं जो भी आगे लिखूंगा उसमें दिखने वाला है। तो यहाँ पे मैंने दो वैल्यूज दे रखे हैं, सेम कमांड लिखा है एक अलग वैल्यू है, सेम कमांड है एक दूसरा अलग वैल्यू है, यानी कि नंबर दे के रखा है। यहाँ पे रन कर देते हैं, रन करने के लिए शॉर्टकट की F5। आप देख सकते हो यहाँ पे वैल्यू आ गया है। अब एक कंफ्यूजिंग चीज़ ये है कि यहाँ पे आप देखोगे तो 80 नंबर्स लिख के आ गए, उससे पहले ACG ट्यूटोरियल भी लिखा था, तो दोनों में से कौन सा कमांड है वो रन हुआ है। तो आपको मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि दोनों भी कमांड रन हो चुके हैं, ACG ट्यूटोरियल भी और 80 जो लिखा है नंबर वो भी। पहले हम लोगों ने ACG ट्यूटोरियल लिखा है इसलिए ये रन हुआ, उसके बाद ये हो गया, लेकिन ये प्रोसीजर इतना फास्ट हुआ कि हम लोगों को ACG ट्यूटोरियल दिखा ही नहीं। तो हमें स्टेप बाय स्टेप अगर चेक करना है तो इसके लिए हमें एक ऑप्शन यूज़ करना होगा, वो है स्टेप इनटू। उसके लिए शॉर्टकट की भी है F8। अगर ये टूल बार आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ से व्यूज में जाके टूल बार में जाके डीबग ऑप्शन एक्टिवेट कर सकते हो, ओके। ये टूल बार इस तरह से दिखता है, अगर आप बाई चांस आपके पास से क्लोज भी हो गया तो इसे एक्टिवेट कर सकते हो, व्यू टूल बार डीबग इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं वन स्टेप बाय स्टेप रन करके क्लिक किया, यहाँ पे इसका शॉर्टकट की भी F8। अब यहाँ पे दिख रहा है हाईलाइट हो गया, कुछ पोर्शन हाईलाइट हो गया, इसका मतलब क्या है, तो ये रन होने जाने वाला है, अभी तक रन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ स्टेप इनटू, ये रन हो गया है। अब उसके बाद फिर से एक बार क्लिक कर देता हूँ स्टेप इनटू, यानी कि ये प्रोसीजर होने वाला है,
आप देख सकते हो यहाँ पे वो ऑप्शन आ गया है। तो ये बहुत ही यूजफुल कमांड है, स्टेप बाय स्टेप चेक करने के लिए आपका प्रोग्राम अच्छी तरह से या ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे सिलेक्शन में आ गया है एक्टिव सेल वैल्यू 80 वाला। अब जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तब जाके ये रन होने वाला है। रन हो गया, आप देख सकते हो यहाँ पे 80 वैल्यू आ गया है। आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार क्लिक कर देते हैं एंड सब, यानी कि प्रोग्रामिंग हमारा कंप्लीट होने वाला है। तो इस तरह से कंप्लीट भी हो जाएगा। अगर आपको फिर से इसे अटैच करके रखना है तो यहाँ पे इस तरह से अटैच करके रख सकते हो, ठीक है। ओके, इसे चेंज भी कर सकते हो पोजीशन इस तरह से। यहाँ तक क्लियर है। और एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया प्रोग्रामिंग को सब लिख के, उसके बाद ऑटोमेटिकली एंड सब करके आ गया, मैंने बीच में एंटर कीज नंबर ऑफ टाइम दबा दिए, उसके बाद ये एक स्पेस छोड़ के यहाँ पे लिखा है, तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ पे भी कुछ भी टाइप कर सकते हो, यहाँ पे भी टाइप कर सकते हो, बीच में कितने भी एंटर छोड़ सकते हो, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो आपको जहाँ भी लिखना है आप प्रोग्राम कहीं पर भी लिख सकते हो, लेकिन जो भी लिखना है इन दोनों के बीच में ही लिखना होता है, जो कि सब स्टार्ट हुआ है और एंड सब हुआ है उसके बीच में हम लोगों को प्रोग्राम लिखना है। ओके दोस्तों, ये हो गया फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग को डायरेक्टली ब्रैकेट में वैल्यू देना होता है, जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में स्टार्ट कर रहा हूँ और कोई भी एक पोजीशन दे सकते हो। यहाँ पे क्या था हम लोग ने एक्टिव सेल, जो भी सिलेक्शन रहेगा उसमें ही चेंजेस होने वाला है, उसमें वैल्यू आने वाला है। यहाँ पे हम लोग खुद से एक रेंज दे सकते हैं, जैसे कि समझो मुझे A1 में कुछ ना कुछ तो वैल्यू चाहिए, तो आपको A1 सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, सिंपली यहाँ पे मेंशन कर दो कौन सा सेल में आपको वैल्यू चाहिए, ब्रैकेट क्लोज कर दो एंड देन डॉट वैल्यू और यहाँ पे आपको इज इक्वल टू साइन देके स्पेस देना है, इस इज इक्वल टू से पहले और बाद में और वैल्यू टाइप करना है। जैसे कि अभी यहाँ पे मैं नंबर टाइप कर देता हूँ 100। इस तरह से आप F5 की प्रेस कर रहा हूँ रन करने के लिए, आप देख सकते हो प्रोग्राम रन हो गया और A1 में 100 ये वैल्यू भी आ गया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग दूसरे मेथड में जो कि सेल रेफरेंस का है, सेकंड मेथड है, इसमें आप रेंज भी दे सकते हो। उसके लिए फिर से आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे हम लोग रेंज देंगे बी कॉलम का, सो B1 कोलन देना है, जैसे हम लोग नॉर्मल सम में और फंक्शंस में वैल्यू इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेशन में, उसी तरह से रेंज देना है। रेंज देने के लिए कोलन इस्तेमाल करना होता है, तो कोलन दिए देन B10 तक मुझे वैल्यू देना है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज किया के इज इक्वल टू साइन देना है स्पेस देके, और आपको जो भी वैल्यू यहाँ पे चाहिए आप इंसर्ट कर दो। जैसे कि मुझे इंडिया लिखना है, मैंने इंडिया लिख दिया है, रन करके देखते काम हो रहा है कि नहीं, या फिर F8 की प्रेस कर सकते हो दोस्तों। F8 की शॉर्टकट की है स्टेप इनटू के लिए, मतलब वन बाय वन आप अपना प्रोग्राम चेक कर सकते हो बराबर एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं, रन हो रहा है कि नहीं। F8 आप देख सकते हो यहाँ पे वैल्यू भी आ गया है, ACG ट्यूटोरियल अब आने वाला है, 80 वैल्यू यहाँ पे F8 की प्रेस कर रहा हूँ दिख रहा है, उसके बाद फिर से F8 की प्रेस कर रहा हूँ, ये 100 वैल्यू भी आ गया है और अगेन F8 फॉर इंडिया है। आप देख सकते हो B1 से लेके B10 तक यहाँ पे इंडिया वैल्यू आ गया है। इस तरह से F8 की प्रेस कर रहा हूँ स्टेप इनटू कंप्लीट करने के लिए। अब यहाँ पे थर्ड मेथड की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि डायरेक्टली सेल का रेंज अलग मेथड से किस तरह से दिया जाता है, एक पर्टिकुलर सेल किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। तो यहाँ पे कमांड है सेल्स, ओके, और यहाँ पे एक ब्रैकेट स्टार्ट करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया वैल्यू बता रहा है क्या देना है, जैसे कि रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स। फॉर एग्जाम्पल मुझे डी कॉलम में और रो 8 यानी कि यहाँ पे एक वैल्यू देना है, तो आपको किस तरह से इसका लोकेशन बताना होगा, तो आपको लोकेशन बताने के लिए मैं दूसरी जगह पे क्लिक कर देता हूँ, Alt F11 प्रेस कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू देते हो, फर्स्ट वन हमें क्या था, रो इंडेक्स था, मतलब रो का वैल्यू बताना था, रो कौन सा था 8, तो यहाँ पे हम लोग 8 लिखेंगे एंड कॉमा कॉलम कौन सा है, तो कॉलम डी है, तो यहाँ पे डी नहीं लिखना है, हम लोग को नंबर में ही बताना होगा, जैसे कि 1, 2, 3 एंड 4 नंबर पे डी अल्फाबेट आ रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 4। ओके, यहाँ पे मैं 4 लिख रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है, और उसके बाद वैल्यू देना है, सो डॉट वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिखने जा रहे हैं इज इक्वल टू, आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूँगा एक सिटी का नाम जो कि है मुंबई, ओके, ब्रैकेट क्लोज, आप रन करके देख सकते हो
यहाँ पे मैं F5 की प्रेस कर देता हूँ, अब देख पाओगे यहाँ पे D8 में मुंबई आ गया है। और उसको बताने के लिए पहले रो वैल्यू, रो नंबर बताया 8 और कॉलम नंबर था 4, इस तरह से आप उसे आइडेंटिफाई कर पाओगे। ये था हमारा थर्ड वन मेथड। और हम लोग अभी सीखेंगे फोर्थ वन, जो ज़्यादातर वर्ल्ड वाइड या फिर ज़्यादातर प्रोग्रामर इस्तेमाल करते हैं सेल रेफरेंसिंग के लिए। तो उसका स्टार्ट हमेशा रेंज से होता है, जैसे कि रेंज दिया और यहाँ पे ब्रैकेट में वैल्यू देना होता है और हमेशा डबल कोट में ही देना होगा। जैसे कि मुझे यहाँ पे समझो, चलो F कॉलम में देते हैं, तो उसके लिए F1 वैल्यू दे रहा हूँ। ओके, सेल रेफरेंस मैंने F1 का दे दिया, ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ। क्या क्या रेंज लिखा, ब्रैकेट में ब्रैकेट स्टार्ट किया, डबल कोट दे के सेल का नंबरिंग दे दिया, डबल कोट कंप्लीट करके ब्रैकेट क्लोज कर दिया और उसके साथ डॉट, अभी हमें वैल्यू लिखना है। सो डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, फिर से यहाँ पे कौन सा वैल्यू आना चाहिए वो भी हम लोग को टेक्स्ट रहेगा तो डबल कोट में लिखना होता है। सो यहाँ पे डेली लिख देता हूँ, डबल कोट कंप्लीट, एंड फिर से F5 की प्रेस करके देखता हूँ रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो हो रहा है। तो ये फोर्थ वन मेथड हम लोग ने देखा कि किस तरह से कोड लिखा जाता है, रेंज ब्रैकेट में डबल कोट में सीधा सेल का रेफरेंस दे दो और वैल्यू लिख के उसे कौन सा वैल्यू चाहिए वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसी की तरह अगर रेंज देना है तो रेंज भी आप दे सकते हो। सेम मेथड से रेंज लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है, डबल कोट, जैसे कि रेंज देना है मुझे अभी F3 से लेके F3 कोलन डालना है टू F10 तक मुझे यहाँ पे वैल्यू देना है, डबल कोट कंप्लीट, ब्रैकेट क्लोज, स्पेस इज इक्वल टू। अब यहाँ पे मुझे टेक्स्ट नहीं लिखना है, कोई भी नंबर लिखना है तो मैं यहाँ पे सिंपली एक नंबर लिख देता हूँ, लाइक 500 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे हम लोग रन करके देखेंगे हमारा पूरा कोड। आप चाहे तो इसे डिलीट कर सकते हो, ये सारी चीज़ों को चेक करने के लिए सबसे बड़ा काम कर रहा है कि नहीं। सो अल्ट F11, F8 की प्रेस कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम चेक करने के लिए, एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं बराबर। देन फर्स्ट F8 प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे डिस्प्ले में आने वाला है ACG ट्यूटोरियल, आप देख सकते हो। उसके बाद वहीं पे ही 80 आने वाला है, देन 100 नंबर आ गया, A1 वैल्यू में हम लोग ने दिया था। अभी रन होने वाला है इंडिया, F8 की प्रेस कर रहा हूँ, आप देख सकते हो इंडिया आ गया है। अगेन F8, यहाँ पे मुंबई लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ पे दिल्ली डिस्प्ले में आने वाला है F1 में। ओके, एंड लास्ट वन जो हमारा था, जो वैल्यू दिया था हम लोग ने F3 टू F10 तक, वो था 500। और यहाँ पे लास्ट में हमारा प्रोग्रामिंग कंप्लीट कर रहा हूँ F8 की प्रेस करके, दैट्स इट। तो हम लोग ने आज क्या सीखा कि एक सिंपल टोटल 4 टाइप्स देखे सेल रेफरेंसिंग के। और सबसे पहले हम लोग ने देखा था कि मैसेज बॉक्स में हम लोग मैसेज किस तरह से या फिर वैल्यू किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से बेसिक से कोड्स है जो हम लोगों को पूरे प्रोग्रामिंग में सीखने हैं। आप और भी बहुत बड़ा कुछ अट्रैक्टिव या फिर कुछ अनोखी चीज़ यहाँ पे बना सकते हो इस प्रोग्रामिंग के थ्रू, जो आगे जाके हम लोग सीखने ही वाले हैं। आप एंजॉय ज़रूर करोगे। ये जो चीज़ें हम लोग ने सीखी है, ये सब क्यों स्टार्ट होता है, यहाँ पे एंड क्यों हो रहा है, यहाँ पे बीच में हम लोग ने जो कुछ भी लिखा है सब प्रोग्रामिंग कोडिंग है, यहाँ पे एक्टिव सेल क्या है, यहाँ पे रेंज किस तरह से हम लोग ने दिया है, किस तरह से वैल्यू आइडेंटिफाई हो रहा है, नंबर के लिए डबल कोट नहीं देना है, टेक्स्ट के लिए डबल कोट देना है, तो ये जो चीज़ें या फिर ये कोडिंग जो है हम लोग बार बार इस्तेमाल करने वाले हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके ध्यान में आने वाला है, बाय हार्ट भी हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान है। इसी तरह से हम लोग आगे के कुछ लेक्चर्स में कोडिंग इस्तेमाल करने वाले अलग अलग, जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आ रहेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा दोस्तों। थैंक यू।